ओ माई गॉड मैं मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड ही भूल गया क्या दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हो गया है कि आप कभी आपके कंप्यूटर का लॉग इन पासवर्ड ही भूल गए हो और फिर आप अलग अलग पासवर्ड टाइप करके ट्राई कर रहे हो और कोई भी पासवर्ड सही नहीं लग रहा है तो ऐसे में आप बहुत परेशान हो कि भाई अभी क्या करें तो बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि अभी आपका कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ेगा या फिर विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा लेकिन मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया जी जिया दोस्तों आप बिना कंप्यूटर को फॉर्मेट किए बिना विंडोज को दोबारा इंस्टॉल किए हुए अपने विंडोज का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और अगर आपको ये जानना है तो आज का वीडियो पूरा देखना है सीधी बात नो बकवास कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं खास तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको मैं मेरे विंडोज में लॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं पासवर्ड याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं पासवर्ड भूल गया हूँ इसलिए मेरे कंप्यूटर में मैं लॉग ही नहीं हो पा रहा हूँ तो मुझे इसमें लॉग करने के लिए पासवर्ड रिसेट करना पड़ेगा और पासवर्ड रिसेट करने के लिए मुझे बूटेबल पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी और बूटेबल पेन ड्राइव अगर बनाना है तो विंडोज की आयोसो फाइल मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी तो विंडोज की फाइल कैसे 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 डाउनलोड करते हैं 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 बूटेबल पेन ड्राइव बनाते है? और उसके बाद हम हम पासवर्ड रिसेट कर सकते ये पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अभी देखते हैं तो सबसे पहले विंडोज की आयोसो फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं वो देखते हैं सो विंडोज की आयोसो फाइल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक कीजिए और आप इस पेज पे आओगे जहां पे आपको डाउनलोड टूल नाउ करके एक बटन दिखाई देगा इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए जैसे आप क्लिक करते हो आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम में मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड हो चुका है इसके ऊपर आप क्लिक करके इसे रन कीजिए इसे रन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा गेटिंग फ्यू थिंग्स ट्रेडिंग अब इस डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे लाइसन एंड टर्म्स को एक्सेप्ट करना होगा और यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपग्रेड दिस पीसी नाउ या फिर क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यहाँ पे हम फिलहाल इंस्टॉलेशन मीडिया तैयार करेंगे क्योंकि हमें आई एस फाइल यहाँ पे डाउनलोड करनी है तैयार करनी है पीसी के लिए राइट right? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया इस पे आपको चेक रखना है उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है उसके बाद आगे की स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है लैंग्वेज एडिशन और आर्किटेक्चर फिलहाल बेसिकली मेरे पीसी के हिसाब से यहाँ पे इस तरह का लैंग्वेज आर्किटेक्चर सिलेक्ट किया गया है तो आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज़ द रिकमेंडेड ऑप्शंस फॉर दिस पी पे अनचेक कीजिए आपको लगता है कि कुछ और लैंग्वेज का चाहिए विंडोज़ 10 और विंडोज़ टेन ही बेसिक अभी और आप 32 टू बीट के लिए चाहते हैं तो 32 टू बीट का यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आयोसो फाइल तो फिलहाल हमें सिक्सटी फोर भी चाहिए अब दोनों चाहिए तो दोनों भी आप बहुत ये भी कर सकते हैं तो मैं फिलहाल ये कर रहा हूँ सिक्सटी फोर बीट के लिए और यहाँ पे मैं इसे ही रहने देता हूँ क्योंकि मेरे रिकमेंडेड पीसी के लिए जो आया वही आप चाहिए तो वो चेंज कर सकते हैं जो आपको आयोसो फाइल चाहिए नेक्स्ट करना है उसके बाद उसने बोला कि पेन ड्राइव में डायरेक्टली लोड करना है इट नीड्स टू बी एटलीस्ट एट जी बी पेन ड्राइव याद रखिए आठ जी बी का आपके पास पेन ड्राइव होना चाहिए उसमें ये आई एस ओफ फाइल लोड होगी लेकिन आई एसो फाइल में मैं कंप्यूटर में स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आयो सो फाइल बनाना चाहता हूँ उसकी तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आयोसो फाइल और नीचे मेंशन है यू विल नीड टू बर्न द आयो फाइल टू डीवीडी लेटर डीवीडी में बाद में आपको बर्न करना पड़ेगा ये इसका आईओ बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है वो भी हम देखेंगे फिलहाल आईओ फाइल हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं नेक्स्ट करते हैं ये देखिए विंडोज डॉट आई ओ सो करके डाउनलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं डेस्कटॉप पर डॉक्यूमेंट में डी ड्राइव में यहाँ पर डी ड्राइव में एक फोल्डर बना देता हूँ विंडो से और विंडोज आयो नाम देखिए इसे मैं सेव कर रहा हूँ ये देखिए विंडोज आई फोल्डर के अंदर विंडोज आई फाइल यहाँ पे आयोसो फाइल बनना स्टार्ट हो जाएगा ये प्रोसेस आपके इंटरनेट के डाउनलोड स्पीड के हिसाब से चलेगा फिलहाल ये मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं दोस्तों अभी आपकी आयोसो फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन डीवीडी बर्नर लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि यहां से आप इसे डीवीडी में बर्न करें क्योंकि हमें पावर आईओसो की जरूरत पड़ेगी इसका बुटेबल पेनड्राइव या बूटेबल डीवीडी बनाने के लिए अब डीवीडी बहुत कम लोग यूज करते हैं लेकिन पेन ड्राइव तो बहुत लोग यूज करते तो बुटेबल पेनड्राइव कैसे बनाना है इसके आगे के स्टेप्स हम जानेंगे क्योंकि हमने ये जान लिया कि भाई आयोसो फाइल कैसे विंडोज की आईओसो फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं सो दोस्तों विंडोज आयोसो फाइल तो अभी डाउनलोड हो चुकी है अब हम बूटेबल ड्राइव बनाने के लिए करेंगे क्या पावर आयोसो नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर मार्केट में है लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा पावर आयोसो को क्योंकि इसके अंदर आप सी भी बूट कर सकते हैं ड्राइव भी बूट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो पावर आयोसो गूगल पर सर्च कीजिए पावर जैसे सर्च करेंगे ये वाली वेबसाइट पे आप आएंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड नाउ मैं इसे डाउनलोड करा और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आ रहा है कि भाई कौन सा डाउनलोड आपको करना है 32 टू बीट करना है या 64 फोर बीट वो आपके सिस्टम के ऊपर है आपका सिस्टम कौन सा है उसके हिसाब से आपको इसको डाउनलोड करना होगा मेरा सिस्टम फिलहाल 64 बिट का तो मैं डाउनलोड 64 बिट कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पावर है डाउनलोड हो जाएगा अब मेरा सिस्टम 64 बिट का है लेकिन आपका सिस्टम 64 बिट का है 32 बिट का है, कैसे पता चलेगा आपको पता ही रहेगा आपका जो दिस पी रहता है उसके ऊपर ये दिखाई दे रहा है दिस पी सी विंडोज सेवन अगर है तो वहाँ पे माई कंप्यूटर आता है और उसमें आपको प्रॉपर्टीज में जाना है माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज उस आइकॉन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका विंडोज़ कौन सा है मेरे केस में मेरा विंडोज़ है 64 फोर बीट ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसके लिए मैंने 64 फोर बीट वर्जन पावर एसो का डाउनलोड कर लिया आप ऐसा चेक कर लीजिए और वैसे डाउनलोड कीजिए इसको क्लिक करके इसे यस करके मतलब नेक्स्ट करके इंस्टॉल कीजिए ये इंस्टॉल हो जाएगा ये देखिए इंस्टॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन इंस्टॉल नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड हो गया है नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करने के बाद वो पूछ रहा है कि कौन कौन से फॉर्मेट चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट ऑल ही रखिए सारे फॉर्मेट की फाइल्स हमें रीड करनी है और यहाँ पे हम क्लोज करेंगे उसके बाद पावर आइसो इंस्टॉल हो गया मैसेज आ चुका है चलिए ठीक है, है इसे हम मिनिमाइज़ कर देते हैं सभी चीज़ों को और पावर आईसो डेस्कटॉप पे आया कि नहीं देखते हैं यहाँ पे पावर आयसो आ चुका है मैं पहली बार रन करूँगा तो बोल रहा है कि आप ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हो डोंट वरी यहाँ पे कंटिन्यू ट्रायल वर्जन पर आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रायल वर्जन पर क्लिक कीजिए ये आपको फ्री में वैसे भी बना के देता है सारी चीज़ें तो अभी आपको करना क्या है इस पावर आइसो विंडो में बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए पहले पेन ड्राइव अटैच करो विंडोज 10 का बुटेबल ड्राइव अगर आपको बनाना है तो एटलीस्ट एट जी कैपेसिटी वाला पेन ड्राइव आपके पास रहना चाहिए जो कि सिस्टम को आपको अटैच करना होगा याद रखिए मेरे पास मैंने ऑलरेडी पेन ड्राइव अटैच करके रखा है मैं आपको मेरे सिस्टम में जाके दिखाता हूँ यहाँ पे मैं दिस पीसी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेरा पेन ड्राइव ऑलरेडी अटैच है इसमें चार जी का ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है इसमें ऑलरेडी मैंने विंडोज ही रखा है एक बुटेबल बनाया पहले हिस्से लेकिन आपको दिखाने के लिए और एक बार बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर अगर पहले से कुछ फाइल है तो ये पूरी की पूरी फॉर्मेट होने वाली है याद रखिए अगर आप बुटेबल पेन ड्राइव बनाने जा रहे हो तो ये फाइल सारी की सारी इमूवी होगी और आप जो बुटेबल पेन फाइल डालने वाले वो आएगी उसके बाद जो खाली स्पेस है उसमें आप इसमें और खाली स्पेस बचता है ना तो इसमें आप नया फोल्डर बना के जितनी चाहिए उतनी फाइल रख सकते हैं जो खाली स्पेस है उसमें कोई इशू नहीं है उसका खाली स्पेस में आप फाइल रख सकते हैं उस पेन ड्राइव को आप यूज कर सकते हैं लेकिन ये बूटेबल फाइल्स जो होती है जब ये आप बूटिंग करते हो तो पहली बार बूटिंग करते समय पेन ड्राइव पूरा क्लीन होने वाला है तो मेरा आठ जी का लगभग ये दिख रहा है आपको सेवन पॉइंट फोर्टी एट जी है मतलब आठ जी बी का पेनड्राइव है जो कि मैंने इसे अटैच करके रखा है अब मैं क्या करूँगा मैं जाऊंगा टूल्स में ध्यान से देखिए टूल्स में एक ऑप्शन मिलेगा पावर आइसो के अंदर टूल्स में क्रिएट बूटेबल यू ड्राइव टूल्स में पावर आइसो में टूल्स में क्रिएट बूटेबल यू ड्राइव इस पर क्लिक कीजिएगा ओके कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको ये डायलॉग बॉक्स दोबारा रन होगा मतलब पावर आइसो दोबारा रन होगा यहाँ पे कंटिन्यू ट्रायल वर्जन पे दोबारा आपको क्लिक करना पड़ेगा हम ट्रायल वर्जन यूज़ करें उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आएगा अब ये पूछ रहा है कि भाई पहले इमेज फाइल कहाँ पे आपकी ऊपर दिखाई दे रहा है इस डायलॉग बॉक्स में आपको इमेज फाइल पूछा जा रहा है उसके बाद आपको पेन ड्राइव देना है वो ऑटोमेटिक ले लिया उसने डेस्टिनेशन यू बी ड्राइव क्योंकि आपने उससे ऑलरेडी वही किया है ना क्रिएट बुटेबल यूज बी तो इसने पेन ड्राइव का ड्राइव ले लिया डायरेक्टली ई ड्राइव और एट जी मेमोरी है उसका वो बता रहा है ठीक है अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आयुष फाइल हमारी लेंगे इमेज फाइल के लिए क्लिक करेंगे और हमारी जो आई फाइल हमने डाउनलोड की थी हमारी डी ड्राइव विंडोज़ फोल्डर में अवेलेबल है सो डिन डी ड्राइव में विंडोज आई ये वाला फाइल दिखाई दे रहा है तो ये मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और इसे मैं ओपन करूँगा ओपन करने के बाद मैं इसे बस यहाँ पे भी स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा जैसे मैं स्टार्ट करूँगा ये बूटेबल प्रोसेस स्टार्ट होगा और फिर थोड़ी देर में मतलब 10-15 मिनट लग सकता है 10-15 मिनट में ये पूरा का पूरा विंडोज़ लोड हो जाएगा बूटेबल पेन ड्राइव यहाँ पे आपका तैयार हो जाएगा डेफिनेटली आपको ये प्रोसेस समझोगी कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे तैयार करना है अब ये तैयार होने के बाद बूटेबल पेन ड्राइव तैयार होने के बाद क्या प्रोसेस करनी है इसके जरिए हम कैसे कंप्यूटर का जो लॉग इन पासवर्ड है वो रिसेट कर सकते हैं वो देखना बाकी है दोस्तों तो चलिए अब मैं पेन ड्राइव रेडी होने के बाद मिलता हूँ आपको तो चलिए दोस्तों मैं आ चुका उस कंप्यूटर के ऊपर जिसका पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ और मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ लेकिन मुझे पासवर्ड याद नहीं है मैं इनकरेक्ट पासवर्ड इंटर कर रहा हूं हालांकि यहां पे एक ऑप्शन दिया गया है रिसेट पासवर्ड लेकिन इस पर क्लिक करने के बाद मुझे कुछ सिक्योरिटी आंसर्स देने पड़ेंगे जो मुझे बिल्कुल याद नहीं है तो फिर अभी पासवर्ड रिसेट करना है तो क्या करना है जो बूटेबल पेन ड्राइव हमने बनाया है उसे हमें हमारे सिस्टम को अटैच कर देना है तो मैं इसे मेरे कंप्यूटर को अटैच कर रहा हूँ बूटेबल पेन ड्राइव को मैंने लगा दिया है अब मैं कंप्यूटर को रिस्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे कंप्यूटर पे रिस्टार्ट बटन पे क्लिक करके मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ रिस्टार्ट एनी वे anyway, रिस्टार्ट करने के बाद जैसे ही कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा की बोर्ड पर डिलीट बटन आपको प्रेस करना है आपके बायोज में जाने के लिए मैंने डिलीट बटन प्रेस कर दिया और मैं बायोज स्क्रीन में आ चुका बायोज विंडो में आ चुका हूँ बेसिकली याद रखना है अगर आप लैपटॉप में ये बायो स्क्रीन लाना चाहते हो तो बहुत सारे लैपटॉप में एप टू बटन रहता है बहुत सारे लैपटॉप में एप टेन रहता है बायोज के लिए एप ट्वेल्व अलग अलग कीज़ रहती है तो वो आपको गूगल पे मिल जाएगी आपके लैपटॉप के मॉडल के हिसाब से फिलहाल आप कंप्यूटर पे करो तो डिलीट बटन प्रेस कीजिए और बायोज के स्क्रीन पे आइए तो मेरे कंप्यूटर का बायोस कुछ इस तरह का है फिलहाल मैं बूट ऑप्शंस में जा रहा हूँ आपके कंप्यूटर में भी आपके बायोस का स्क्रीन अलग हो सकता है लेकिन ऑप्शंस तो ये मिलने वाले बूट के अंदर ही आपको बूट ऑप्शंस प्रायोरिटी मिलेगी तो बूट ऑप्शन में जाकर यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूं बूट ऑप्शन वन में हम जा रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं एंटर बटन प्रेस करेंगे यहां पर मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं पेन ड्राइव सेलेक्ट करूंगा ड्राइव से मैं कंप्यूटर बूट करूंगा ध्यान से देखिए मैंने जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाया उसके अंदर एक विंडोज है और उस पेन ड्राइव के अंदर जो विंडोज है उसे मैं टेम्पर बेसिस पर

मैं मतलब एंटर बटन प्रेस करो यहाँ पे यस हो जाएगा यस करके इसे मैं एक्सेप्ट कर दूंगा जैसे मैं इसे सेव करूंगा मेरा कंप्यूटर दोबारा रिस्टार्ट होगा लेकिन इस बार जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो विंडोज बूट होगा पेन ड्राइव के अंदर से जो मेरी रेगुलर विंडो है वो बूट नहीं होगी यहाँ पे पेन ड्राइव के अंदर जो विंडोज इंस्टॉल है या बूटेबल पेन ड्राइव जो तैयार किया हमने वो यहाँ पे लोड होने वाली है आपको दिखाई दे रहा है जो फॉर्मेटिंग के टाइम पे स्टेप आते हैं वैसे कुछ आ रहा है अगर आपको विंडोज फॉर्मेटिंग के बारे में पता रहेगा और विंडोज फॉर्मेटिंग या इंस्टॉलेशन अगर आपको पता नहीं है तो इसके लिए हमने ऑलरेडी हार्डवेयर कोर्स डिजाइन किया जिसके अंदर सारी चीजें हमने बताई है जरा चेक कर सकते हैं हमारे ऐप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है यहां पर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको करना क्या है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहां पर ऑप्शन आ रहा है रिपेयर योर कंप्यूटर हमें विंडोज इंस्टॉल नहीं करना है हम कंप्यूटर को रिपेयर है रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करना है जैसे आप रिपेयर योर कंप्यूटर पे क्लिक करोगे उसके बाद ये स्क्रीन आएगी आपके सामने और इसमें आपको ट्रबल शूट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है देखिए हर एक ऑप्शन के ऊपर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ पॉइंट्स को ट्रबल शूट इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आएंगे लेकिन इतने सारे ऑप्शन की जरूरत नहीं है हमें ये ऑप्शन की जरूरत है इसमें यहाँ पर हमें है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना तो हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें जैसे मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूँगा एक डॉस की विंडो ओपन हो जाएगी कमांड फॉम ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग कमांड दे सकते हैं लेकिन हमें जिस कमांड की जरूरत है वो कौन सी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पे डिटेल में तो यहां पे इस कमांड फॉर्म के अंदर हमें कुछ कमांड टाइप करनी है जिसकी मदद से हम अपना पासवर्ड रिसट करेंगे लेकिन उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी रहेगी स्टेप बाय स्टेप तो यहाँ पे करना क्या है सी कॉलन में यहाँ पे टाइप करो ये तरीका देखिए क्या है सबसे पहले मैं सी कॉलन टाइप करो रहा यहाँ पे ताकि मैं सी ड्राइव में चला जाऊँ तो सी कॉलम टाइप करके एंटर करूंगा मैं सी ड्राइव में आ चुका हूँ और सी ड्राइव ये है कि नहीं है बेसिकली ये सी ड्राइव है ये कैसे पता चलेगा जब इसके अंदर विंडोज फोल्डर है तो तो आप बोलोगे ये तो सी नाम आपने दिया तो ये सी ड्राइव है मेरा कहने का मतलब ये है कि सी ड्राइव के अंदर सिस्टम फाइल होती है लेकिन जरूरी नहीं कि सी ड्राइव के अंदर ही सिस्टम फाइल होती है कभी कभी डी या ई e में भी सिस्टम फाइल हो सकती है तो यही ड्राइव आपका सिस्टम ड्राइव है कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एक कमांड सी डी स्पेस विंडोज देखना पड़ेगा आपका विंडोज फोल्डर इसमें है कि नहीं है तो सी डी स्पेस विंडोज ये फोल्डर यहाँ पे है तो यही आपका सिस्टम ड्राइव है एंटर कीजिए सी डी स्पेस विंडोज ये टाइप करने के बाद विंडोज फोल्डर अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरह से आ रहा है देखिए सी कोलन स्लैश विंडोज और आगे एरो आ, आ रहा है मतलब वो ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन जैसे तो यहाँ पे ये, आपको समझ में आया कि ये विंडोज फोल्डर इसके अंदर है तो आपकी तलाश खत्म हो गई आपका सिस्टम ड्राइव मिल गया आपको ये सी ड्राइव ही सिस्टम ड्राइव है जनरली सबका यही होता है लेकिन कुछ हार्डवेयर वालों ने क्या किया रहता है डी ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल किया रहता है तो उस टाइम पे आपको डी ड्राइव में भी चेक करना पड़ेगा अगर सी में आपको विंडोज़ फोल्डर नहीं मिला तो आप डी में कैसे चेक करोगे डी कॉलन करके जाओगे ऐसा डी ड्राइव में आओगे इसे डी ड्राइव बोलते हैं डी कॉलन एंटर करने के बाद फिर आप यहाँ पे सी और विंडोज़ टाइप करोगे एंटर करोगे द सिस्टम कैनॉट फाइंड द पाथ सिपाई क्योंकि सी ड्राइव के अंदर ही हमारा विंडोज फोल्डर ऑलरेडी हमें मिला है यानी सिस्टम फाइल्स मिली है तो डी ड्राइव में ढूंढने का कोई मतलब नहीं बनता है लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि डी ड्राइव में आप ढूंढ सकते हैं अगर आपके पास सी ड्राइव में नहीं मिला तो तो इस तरह का एरर अगर आपको मिल रहा है सी ड्राइव के अंदर तो तो वो बात तभी होती है फिलहाल हम सी डी और यहाँ पे आते हैं सी ड्राइव में आते हैं सी कोलन टाइप करते कॉलन सी ड्राइव में आ चुके हैं अब यहाँ पे इस लोकेशन के अंदर जाना है हमें देखिए सी डी स्पेस करके सिस्टम थर्टी टू क्या टाइप कर रहा हूं मैं सीडी सिस्टम थर्टी टू एंट्रो ये टाइप करने के बाद इस फोल्डर में आप आ चुके और इसके बाद सी एल एस सी एल एस मतलब क्लियर स्क्रीन क्योंकि मैं जो नेक्स्ट कमांड टाइप करना चाहता हूं ये पहले वाले कमांड में क्लियर कर देता हूँ सी एल एस कमांड क्लियर कर दिए यानी कि वो पाथ हमें मिल गया अब तो यहाँ पे जो कमांड में टाइप करो इसे आपको ध्यान से देखना है मैं इसे कैपिटल में टाइप करो आपको समझने के लिए यहाँ पे रेन आरियन रीनेम -E मतलब रीनेम होता है दोस्तों तो की हम दे रहे हैं और रीनेम किसे कर रहे हैं हम हम रीनेम मैग्फाई डॉट को करेंगे अब ये एक्ससी को हम रीनेम क्यों करेंगे फिलहाल आर एन स्पेस मैग्नीफाई डॉट ई एक्सी को हम यहाँ पे नाम दे देंगे सपोज मैं नाम दे रहा हूं इसको एबीसी डॉट ई एक्ससी डॉट ई यहाँ पे नाम दे रहा हूँ और एंटर कर रहा हूं जैसे मैं एंटर करूंगा अभी क्या हुआ है ये मैं आपको सीनियर समझा देता हूं मैग्नीफाई के अंदर जितनी भी फाइल है वो ए डॉट ई में आ गई है पूरी की पूरी फाइल ध्यान से देखिए मैग्नीफाई के अंदर जितनी भी फाइल है वो पूरी की पूरी ए डॉट ई के अंदर आ चुकी है इसका मतलब मैग्नीफाई फोल्डर अभी एम है तो अब हम क्या करेंगे सिंपल है और एक फोल्डर हम रीनेम करेंगे सीएमडी डॉट ई जो कि हमारा कमांड प्रॉम का फोल्डर रहता है उसे हम मैग्नीफाई के अंदर डाल देंगे ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं अब मैग्नीफाई फोल्डर में किसकी फाइल आएगी यह प्रोसेस होगा कि सीएमडी की पूरी फाइल मैग्नीफाई फोल्डर में आने वाली क्योंकि मैग्नीफाई फोल्डर ऑलरेडी एम है क्योंकि उसकी फाइल ए में चली गई है तो ये हमने जानबूझ किया है ये इसलिए किया है क्योंकि मैग्नीफायर की जगह हम सी चालू करना चाहते हैं ध्यान से सुनिएगा क्या है मैग्नीफायर सॉफ्टवेयर है उसकी जगह हम सी चालू करना चाहते हैं ये इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि जब आप विंडोज लॉग इन करते हो जो लॉगिंग की स्क्रीन आपके सामने आ रही थी उसमें आपको राइट बॉटम कॉर्नर में जी टू एक्सेस ऑप्शन मिलता है एजी टू एक्सेस ऑप्शन में आपको मैग्नीफायर मिलता है जहां से आप मैग्नीफायर डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन वहां पे हम मैग्नीफायर नहीं स्टार्ट करेंगे उसकी जगह हम सीएमडी स्टार्ट करेंगे इसीलिए मैंने ये रिप्लेस किया है आपको मैं दिखाऊंगा कैसे होगा आगे चलकर पहले ये कमांड को याद रखो सीएमडी डॉट ई एक्सी हमने मैग्नीफाई डॉट ई एक्सी के अंदर डाल दिया मतलब सी एम डी की फाइल पूरी की पूरी मैग्नीफाई डॉट ई एक्सी में आ चुकी है अब मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा एंटर बटन प्रेस करने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है इतना ही कोड इसे बाद में हम रिसेट करेंगे फिलहाल इसे एग्जिट करेंगे और हमारे सिस्टम को हम रिस्टार्ट करेंगे।, रिस्टार्ट करेंगे रिस्टार्ट करने के पहले पेन ड्राइव रिमूव कर लो ताकि पेन ड्राइव से दोबारा बूटेबल ना हो जाए नहीं तो ये पेन ड्राइव से दोबारा वही विंडोज लोड हो जाएगी जो पेन ड्राइव के अंदर है हम चाहते हैं हमारे कंप्यूटर का विंडोज लोड हो जाए तो पेन ड्राइव अगर आप रिमूव करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको बायोज में कुछ नहीं मिलने वाला बायो सेटिंग में से तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर

कमांड फ्रॉम स्टार्ट हो रहा है दोस्तों कमांड फ्रॉम और यही तो हमें चाहिए अब हमारा काम इजी हो जाएगा अब कमांड फ्रॉम स्टार्ट होता है तो एक कमांड हम यहां पे देंगे एल आर कौन सी कमांड देंगे देखिए एल यू एस आर एम जी आर लॉग इन यूजर मैनेजर यहां पे हम इसे ओपन कर सकते हैं यस yes, बिल्कुल ओपन कर सकते हैं ये देखिए लॉग इन यूजर मैनेजर आपके सामने आ चुका है अब हम इसमें जाएंगे यूजर्स में और हमारे यूजर का नाम है लर्नमो फोर जो कि जिसका पासवर्ड हम ढूंढ रहे हैं राइट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे चाहे तो आपको अल्टैप करके दिखाता तो हूँ यहाँ पे आपको लॉगिन में दिखाई देगा कि हाँ लर्नमो फोर का पासवर्ड हम ढूंढ रहे हैं तो लर्नमो पासवर्ड मतलब ढूंढ नहीं रहे हम रिसेट करना चाहते हैं राइट क्लिक करो और यहाँ पे सेट पासवर्ड ये देखिए राइट क्लिक और सेट पासवर्ड जैसे आप क्लिक करोगे प्रोसीड करो और यहाँ पे जो पासवर्ड आप देना चाहते हैं यहाँ से आप इसे दे सकते हैं मैं इसका पासवर्ड देना चाहता हूँ वन टू थ्री वन टू थ्री जो भी पासवर्ड आपको देना चाहते हैं आप दे सकते हैं नया पासवर्ड बिना पुराने पासवर्ड का आप यहाँ पे नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं आपको पुराना पासवर्ड है नहीं है नो प्रॉब्लम तो पासवर्ड एज बिन सेट ओके कर लो क्लोज यहाँ पे करो और इसका पासवर्ड मैं यहाँ पे देना चाहता हूं वन टू थ्री और ये देखते हैं लॉग इन ओ हमारा कंप्यूटर हो गया है वन टू थ्री पासवर्ड के साथ क्योंकि हमने उसको रिसेट कर दिया है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बने और साथ ही मैं मैं आपको बताऊं कि हमारा एक ऐप लॉन्च हो गया है लर्न मोर ऐप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है जहां पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं और ढेर सारे कंप्यूटर कोर्सेज सीख सकते हैं वहां पे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉट और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर कोर्स बिल्कुल फ्री में जरूर चेक कीजिए लर्न मोर ऐप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है या फिर प्ले स्टोर पर आप लर्न मोर सर्च करके डाउनलोड भी कर सकते हैं आज ही जरूर चेक कीजिएगा उसमें आपको ई e बुक्स भी फ्री मिलने वाले हैं साथ में आपको लाइव टेस्ट अटेंड करने भी मिलेगी मॉक टेस्ट फ्री में अटेंड करने मिलेगी सो so, फिलहाल तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी वो ये है कि अगर आप मैग्नीफायर स्टार्ट करने जाए जाएंगे अगर मैग्नीफाई का यूज करने जाएंगे आगे चलकर तो मैग्नीफाई टाइप करके रन कमांड में टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो मैग्नीफाई स्टार्ट नहीं होगा ये कमांड प्रॉम स्टार्ट हो रहा है तो क्योंकि जो अब सेटिंग में हमने किया था ना कि भाई मैग्नीफाई की जगह वह वहां पे कमांड प्रॉम स्टार्ट हो जाए उस सेटिंग को हमें दोबारा रिसेट करना पड़ेगा नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा राइट तो उसके लिए हम क्या करेंगे सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे

राइट right, यहां पे आ गए इसके अंदर क्या था इसके अंदर पहले सी ड्राइव ओहो सी ड्राइव ओपन कर लिया सी डी विंडोज सी डी विंडोज फोल्डर में चले गए सी डी स्पेस सिस्टम थर्टी टू याद रखिए सी डी स्पेस सिस्टम थर्टी टू एंटर यहां पे आ गए इस फोल्डर में उसके बाद एक बार क्लियर स्क्रीन कर देता हूं ताकि धो डाला मतलब क्लीन हो जाए स्क्रीन ताकि आप जो कमांड देते हैं वो आपको क्लीन नजर आए अभी नेक्स्ट कमांड है Arian. अब क्या है कि आपको पता है कि मैग्नीफाई की सारी फाइल एबीसी में है तो एबीसी की फाइल वापस मैग्नीफाई में लाने के लिए पहले मैग्नीफाई को हमें खाली करना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीफाई के अंदर ऑलरेडी सीएमडी की फाइल है तो मैं यहाँ पे दोबारा मैग्नीफाई को रीनेम पहले कर दूंगा ये देखिए मैग्नीफाई डॉट ए एक्सी इसको मैं रीनेम करूंगा एक्स वाई जेड डॉट एक्सी मतलब अभी सीएमडी की सारी फाइल एक्स वाई जेड में थोड़ी देर के लिए मैं भेज रहा हूँ राइट सीएमडी की सारी फाइल अभी एक्स वाई जेड में चलेगी मैग्नीफाई पूरा खाली हो गया अब हमारे पास एबीसी में जो फाइल पड़ी थी वो वापिस हम मैग्नीफाई को दे रहे हैं क्योंकि एबीसी के अंदर जो फाइल पड़ी है वो मैग्नीफाई की है आप कोर्स तो वही कर रहे हैं हम लोग ये इस प्रोसेस याद रखो थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा लेकिन वो आपको समझ में आएगा कि भाई ए बी सी की सारी फाइल हम अभी मैग्नीफाई में डाल रहे पूरी की पूरी फाइल ए बी सी की मैग्नीफाई में डाल रहे ताकि मैग्नीफाई चालू हो जाए क्योंकि पहले से एबीसी में हमने डाल के रखी थी उसे राइट तो एबीसी फोल्डर की सारी फाइल अभी मैग्नीफाई फोल्डर में चली गई मैग्नीफाई अपना काम चालू करेगा लेकिन एक और बाकी है जो कि सी एम डी की सारी फाइल एक्स वाई जेड में पड़ी है सो एक्स वाई जेड डॉट ए एक्सी ये वाला जो फोल्डर है इसके अंदर की सारी फाइल एक्सपाइर जेड में रखी थी ना हमने ऊपर देखिए ऊपर पहला ही कोड देख रहा है आपको पहली लाइन का तो इसकी फाइल हम सी एम डी में वापिस डाल देंगे ताकि सी एम डी अपनी जगह पे काम करें और ये प्रोसेस हो गया रिसेट का पूरा चक्कर जो हमने किया था वो पूरा कंप्लीट कर दिया और एग्जिट कर दिया एक लूप कर दिया हमने एग्ज़िट कर दिया यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया और यहाँ पे पेन ड्राइव निकाल लिया फिर विंडोज़ दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ मैं दोस्तों अब जो विंडोज स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा आपके कंप्यूटर में से राइट right? वो सिस्टम मतलब पेन ड्राइव में से नहीं होगा बुटेबल और उसमें आपको पासवर्ड तो पता है पासवर्ड भी दे दिया और मैग्नीफाई भी वहाँ पे प्रॉपर काम करेगा अभी देखिए मैग्नीफाई प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा आप यहाँ से भी देख सकते हैं क्लिक करो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैग्नीफायर आता है और मैग्नीफायर पर जब आप क्लिक करते हो तो ये देखिए मैग्नीफायर आ चुका है यहाँ पे मैग्नीफायर से जूम जूमआउट कर सकते हैं आप मैग्नीफायर का यूज़ तो आपको पता ही होगा तो बेसिकली हमने एक सेटिंग कर ली जिसके जरिए हमने पासवर्ड रिसेट कर लिया और जैसे थे वैसे करके रख दिया एक टेक्निकल चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पर सो so, कैसे लगी विंडोज पासवर्ड को रिसेट करने की ट्रिक्स डेफिनेटली आपको पसंद आएगी पसंद आए तो लाइक like, शेयर जरूर करना दोस्तों और कमेंट भी करना साथ ही में हमारे जितने चैनल है डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी और हमारा ऐप की भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी लर्न मोर ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा मिलते अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय